राम जो सबके हैं, वो राम कैसे और किसने किसी एक विशेष धर्म के कर दिए हैं? तो ये जो राम है, सुबह की राम राम से लेकर के शाम की राम राम और अंतिम राम राम सत्य है, वह नाम राम का नाम सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। के राम जी के राम, राम जी के जो राम है वो एक ईश्वर है जो हर जगह व्याप्त है, जो कादिर मुतलक है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सच्चिदानंद है, जो जो हर जगह मौजूद है, जो वास उन कुल्लशई है, जो कुल्लशईन अलीम, वो खुदा है और वो हर जगह मौजूद है। वो हमारे दिल में मौजूद है, सिख के दिल में मौजूद है, सनातन के दिल में मौजूद है, जैन के दिल में मौजूद है, ईसाई के दिल में मौजूद है। मंदिर के लिए मेरा तो पूरा समर्थन है, कुछ लोग इसके लिए ओपोजिट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, उनको ओपोजिशन नहीं करनी चाहिए। जब एक भगवान का घर बन रहा है, एक आदर्श बन रहा है, तो उसके लिए किसी को बुरा भला कहना ये अच्छा नहीं लगता। राम एक संस्कृति का नाम है, राम एक संस्कार का नाम है, राम एक अध्यात्म का नाम है, राम जन जन में समाया है, इसलिए सबका राम है। पूरा देश उत्सवमय है। 22 जनवरी 2024 बनने वाला है वो ऐतिहासिक क्षण जब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं अपने गृह में, अपने घर में। पूरे देश में उत्सव है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे एक विशेष धार्मिक नज़रिए से देख रहे हैं, जबकि जो इस देश की आत्मा है वो ये कहती है कि राम सबके हैं, यही राम ने सिखाया है। राम हर वर्ग के हैं, हर जाति के हैं, हर समुदाय के हैं। राम सबसे बड़े सोशल इंजीनियर हैं और जो उनके प्रति निष्ठा रखने वाले हैं वो भी ये मानते हैं। और जिस धर्म के आधार पर कुछ लोग विशेष संज्ञाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है, ये हम खुद जानेंगे। आज हमारे साथ हैं देश के प्रतिष्ठित अलग अलग मतों से, संप्रदाय से इन धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग। आइए आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ हैं जैन मुनि विवेक जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। हमारे साथ हैं सनातन धर्म से सुशील गोस्वामी जी महाराज, महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है सिख धर्म से परमजीत सिंह चंडोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है मौलाना शाहीन कासमी जी, मौलाना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ईसाई धर्म से हमारे साथ है फादर सेबेस्टियन, फादर वी वेलकम यू ऑन द शो। तो राम जो सबके हैं, वो राम कैसे और किसने किसी एक विशेष धर्म के कर दिए हैं? क्या बाकी धर्मों में उल्लास नहीं है, उत्सव जैसा माहौल नहीं है? आइए जानते हैं। सबसे पहले मुनि जी, मैं आपसे प्रारंभ करती हूँ इस चर्चा का। ये जो क्षण है जिसका साक्षी हम बनने वाले हैं, एक लंबा संघर्ष ये चला है, लेकिन अब इसे धर्मों की संज्ञा दी जा रही है। जैन धर्म के आप यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, आपका जो एक प्रतिक्रिया आई कि रामलीला जब विराजमान होने जा रहे हैं आपके घर में, वो क्या है? और राम आपके अंतर्मन की परिभाषा से क्या है? राम भारतीय संस्कृति का प्राण है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जिस कुल में जन्म लिया है, इक्ष्वाकु कुल में, उसी कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो ये जो राम है, सुबह की राम राम से लेकर के शाम की राम राम और अंतिम राम राम सत्य है, वह नाम राम का नाम सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। और राम काली खाली सिया के ही नहीं है, राम सबरी के भी हैं, राम निषादराज के भी हैं, राम केवट के भी हैं, राम विभीषण के भी हैं, राम हनुमान जी के हैं, राम जन जन के हैं, राम हम सब के हैं और राम हर मन के हैं। इस कण कण में वह राम तत्व व्याप्त है और जिसके जीवन में भी राम तत्व है वो जोड़ने की बात करता है, वह तोड़ने की बात नहीं करता है। वो आज भगवान श्री राम की उनके जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, जहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि यह जो प्रयास जन जन की श्रद्धा और भक्ति का है, उसे विराट रूप देने के लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, राम की प्रतिष्ठा खाली अयोध्या में ही नहीं होगी, भारत में होगी और पूरे विश्व में होगी और जन जन के मन मंदिर में राम प्रतिष्ठित होंगे, राम के आदर्श प्रतिष्ठित होंगे, मर्यादा कर्तव्य नीति और नैतिकता जब जीवन में आएगी तभी राम राज्य होगा। उसी राम राज्य में सभी जीव, सभी प्राणी, सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। यही भारतीय संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया और वसुदेव कुटुंबकम की है, जिसकी बात अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री ने कही है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ही विश्व की शांति की सुरक्षा की गारंटी है और इसकी जरूरत पूरे विश्व को है, हर नागरिक को है, हर परिवार को है और समाज को है। फादर सेबेस्टियन है हमारे साथ। फादर, जब बात ये की जाती है कि राम किसी एक धर्म के हैं, सदियों सदियों से हर धर्म, हर समुदाय अब इस राष्ट्र का हिस्सा है, भारत की मिट्टी में वो संप्रभुता है, भारत की मिट्टी में लोकतंत्र भी है और भारत की मिट्टी में हर ईश्वर के प्रति आस्था भी है, उस आस्थाओं के समंदर के मंथन में से आज प्रभु राम, रामलला विराजने जा रहे हैं। आप यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस उत्सव और उल्लास के क्षण में? पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए बहुत आनंद का अवसर है। 500 साल से भगवान राम 14 साल 500 साल वनवास और दिलवास और लोगों के अंदर ही था, सभी लोग उनके नाम से भजन करते हैं तो अंदर था। आज भारत के लिए एक श्राइन के रूप में, एक विश्व मंदिर के रूप में एक भव्य मंदिर बना के उनकी मूर्तियाँ रखेंगे एक विशेष मकसद के लिए। ये 500 साल में अभी ऐसा क्यों हो गया है, हम इसी दृष्टिकोण से देखते हैं क्योंकि विश्व में जब मर्यादा की कमी हो गया है, इवन हमारे यूनाइटेड नेशन भी कोई भी देश को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा एक स्थिति में आज तीसरी विश्व युद्ध की तरफ लोग बढ़ रहे, तो कुछ मर्यादा को, कुछ आदर्शों को इस विश्व में जरूरत है। भारत इसलिए विश्व गुरु था, समय समय पर भारत धर्मों को उत्पन्न करके विश्व को दिया और ऐसा वैज्ञानिकों, ऐसा चिंतकों, ऐसा दार्शनिकों के द्वारा अच्छे से शिक्षक पूरे विश्व को दिया। संस्कृति के रूप में हम पूरे विश्व के ऊपर राज किया, हम कोई कब्जा नहीं किया लेकिन हम संस्कृति द्वारा पूरे विश्व में शासन विश्व गुरु हैं हम, इसलिए हम विश्व गुरु कहलाते हैं क्योंकि सभी धर्म हमसे ही निकल गए जितना भी हो, और इसके अलावा हमारी संस्कृति ही पूरे विश्व को तो एक तरीका से आज भी पारिवारिक रिश्ता जो आपसी स्नेह में ये सबसे ज्यादा आज भी हमारे यहाँ कायम है, जॉइंट फैमिली हो, फैमिली वैल्यूज सब यहाँ पर है। आज ये सब में थोड़ा सा क्या बोलते प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, सभी में मर्यादा को हम कहीं पर भी आज तक देखते, परिवार में भी हो, माँ बाप बच्चों के बीच में, किसी के भी बीच में एक कम हो गया। इसलिए राम एक व्यक्ति नहीं था, एक राजा नहीं था, एक भगवान है। भगवान समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और लोगों का मन से इसी प्रकार के सभी प्रकार के भ्रम को, सभी प्रकार की जो समस्याओं को दूर करते हैं, न किसी के हत्या करने के लिए आते, राम तो इसी प्रकार की परेशानियों को दूर करके एक नया रास्ता देने के लिए, एक नया आदर्श रखने के लिए, एक नया प्रकाश लेकर के आए हैं। अपने जीवन में पूरा सभी के साथ ऐसा ही किया, जो उनको उनको षड्यंत्र बना के वानु भेजने वाले मंत्र को भी उन्होंने प्यार से सभी के साथ, रावण को भी माफी किया, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया वही, तो सभी ईश्वर के यहाँ पृथ्वी पे आते हैं हमें कुछ सिखाते हैं, प्रेम का मार्ग, इन्होंने आदर से मर्यादा का मार्ग सिखाया, तो आज पूरे विश्व को एक मर्यादा की जरूरत है। अब सभी लोग अपना अपना मर्यादा पालन करें तो विश्व में कल्याण और शांति होते हैं, यही विश्व गुरु की काम। तो आज एक विश्व के लिए गुरु को देना, आदर्श को अलग देने की जरूरत पड़ा, तो ये 500 साल के बाद अभी ये संबंध हो गया, तो एक मैशन शाइन बनेगी यहाँ पर, इसकी चर्चा पूरा विश्व में चलेंगे, तो सब लोग राम के बारे में सोचेंगे, राम के बारे में स्टडी करेंगे, हमारे भारतवासी भी स्टडी करेंगे,
शास्त्र के आधार पर भगवान जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टडी जब उसके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तब उनकी मर्यादा के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के जो उच्चतम मूल्य थे उसके बारे में जानेंगे। मौलाना शाहीन कासमी साहब, मैं आपके पास आती हूँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सीधा सीधा लोग जब राम मंदिर के उत्सव की बात करते हैं तो उनको लगता है विशेष तौर पर क्या मुस्लिम संप्रदाय के लोग इससे खुश नहीं है, ये एक विडंबना है। जबकि निजी तौर पर अयोध्या के आसपास रहने वाले कई मुस्लिमों से मैंने जो मेरे मित्र हैं उनसे बात करी तो उनमें उतनी ही प्रसन्नता है, कईयों में तो इतनी प्रसन्नता का पारावार है। ऐसा क्यों हो जाता है कि जो उस वक्त के तत्कालीन मुगल आक्रमणकारी थे जिनका भारत से, भारत की जमीन से कुछ ऐसा लेना देना नहीं था, उससे भारत के जो वर्तमान, भारत का एक ऐसा हिस्सा है, भारत की आत्मा में बसे जो मुसलमान संप्रदाय हैं उससे कोरिलेट किया जाता है, क्या वजह है, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं इस धर्म के रिप्रेजेंटेटिव बनकर प्रतिनिधित्व करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ईश्वर के नाम से जो बहुत दयावान है और बहुत कृपालु है। आज हम सब यहाँ पर, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर बैठे हैं और राम जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम राम जी को दो रूप में देखते हैं, एक पैगंबर के रूप में और दूसरा खुदा के रूप में। एक राम जी हैं जो राजा दशरथ के घर में पैदा हुए और वहाँ से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उन्होंने पूरी दुनिया को एक रोशनी दी, पूरी दुनिया के एक सीख दिया और पूरी दुनिया में अपना एक आदर्श कायम किया। एक पुत्र के रूप में अपने पिता की बात को माना और उन्होंने वनवास को इख्तियार किया, तो उनके जीवन से ये आदर्श मिलता है कि हर पुत्र को अपने पिता की बात को माननी चाहिए और आदर्श कायम करना चाहिए, एक आदर्श बनाना चाहिए। हमारे पवित्र कुरान में दो तरह की आयतें मिलती है, एक तो आयत यह है जिसमें कहा गया है कि वमा मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, के जितने भी कौम हैं, जितने भी समुदाय हैं, सब में हमने पैगंबर भेजे हैं। तो राम जी एक पैगंबर के रूप में हो सकते हैं और जब वो पैगंबर के रूप में हो सकते हैं तो मुसलमानों को ये आदेश दिया गया है पवित्र कुरान में कि जहाँ भी जिस रूप में भी पैगंबर आए हैं सब पर ईमान रखना और सब पर विश्वास रखना और सबका आदर करना, यह मुसलमान का मजहबी जिम्मेदारी है। दूसरी जो बात है वो यह है कि राम जी के जो राम है वो एक ईश्वर है जो हर जगह व्याप्त है, जो कादिर मुतलक है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सच्चिदानंद है, जो हर जगह मौजूद है, जो वासउन कुल्लशई है, जो कुल्लशाइन अलीम, वो खुदा है और वो हर जगह मौजूद है। वो हमारे दिल में मौजूद है, सिख के दिल में मौजूद है, सनातन के दिल में मौजूद है, जैन के दिल में मौजूद है, ईसाई के दिल में मौजूद है। तो इस एतबार से अगर हम राम जी को देखते हैं तो राम जी एक आदर्श के रूप में थे और उस आदर्श के रूप में उर्दू के बहुत बड़े शायर अल्लामा इकबाल ने इसको माना और उन्होंने कहा कि है राम के वजूद से हिंदू सता को नाज, राम के होने से भारत को नाज है, भारत को फख्र है। अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, वो भारत के इमाम समझते हैं जो अहले नजर है, जिन्होंने उनकी जीवनी को पढ़ा है और समझा है। तो आज जो राम जी का जो चरित्र है और उनका जो आदर्श है वो मोहब्बत है, प्यार है और करुणा है। उस प्यार और मोहब्बत की आज पूरी देश को ज़रूरत है। आज हिंदू मुस्लिम की नफरत जो है, जो खाइयाँ बढ़ी है, मैं समझता हूँ कि राम जी का जिस तरीके से एक उत्सव मनाया जा रहा है उससे सब में प्यार और मोहब्बत का, एकता का, भाईचारा का पैगाम जाएगा। सब देश को एकता में जोड़ने का और एकता की डोरी में पिरोने का राम जी एक सूत्र बनेंगे और पूरी दुनिया में जो हमारे भारत का जो एक चेहरा है वो, जैसा कि अभी हमारे मुनि ने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि अलखल्कु अयालुल्लाह, कि सारी दुनिया अल्लाह का कुंबा है, सारी दुनिया ईश्वर का परिवार है। तो सारी दुनिया को हम उसी तरीके से मानेंगे, ये राम जी के आदर्शों से हम स्थापित कर पाएंगे, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उम्दा बात आपने कही है और यही खूबसूरती है। आप किसी भी धर्म की बात कर ले, आस्था का स्रोत जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ सकारात्मकता है, वहाँ पर जीवन का प्रारंभ है और जीवन का प्रारंभ जहाँ पर भी है माँ के गर्भ की तरह
वहाँ कुछ भी नकारात्मक नहीं हो सकता है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अंधेरा लंबे वक्त तक बरकरार रहे। यानी कि हर धर्म की अपनी एक रोशनी है और यही सकारात्मक संदेश लेकर के आते हैं भगवान राम। भगवान राम और हमारे साथ है सिख धर्म से चंडोक साहब। चंडोक जी, गुरु ग्रंथ साहब में तो बहुत एक इंटीग्रल हिस्सा है भगवान राम ने जो कहा है, कितनी सारी बातें हैं जो एक बहुत गहराई से गुरु ग्रंथ साहब में भी हमको पढ़ने को सुनने को मिलती हैं। कितनी प्रसन्नता है इस वक्त भगवान श्री राम के विराजमान होने की। गुरबाणी का कथन है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब उपजिया कौन भला है कौन मंदे। जब हमने ये देख लिया कि हम उस खुदा के बंदे हैं, तो फिर क्या कहना सिख तो क्या कहना मुसलमान तो क्या कहना हिंदू। अब खुदाई के लिए गुरु नानक साहब ने 40,000 किलोमीटर का भ्रमण किया अपने इस यात्रा में। वो मक्का भी गए और अयोध्या भी गए। अयोध्या में गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा है, हम देख के भव्य मंदिर जो बन रहा है। राम जी का मंदिर बनना ये इस हिंदुस्तान की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम ने यहाँ पे जन्म लिया और यहाँ पे ही उन्होंने उस अन्याय का वध किया। तो मेरा तो मानना है कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब में एक गुलदस्ता है सब भक्तों की, गुरुओं की 6 गुरुओं की वाणियाँ हैं, बाकी भक्तों की फकीरों की वाणी है उसमें। तो वो गुलदस्ता जो है एक बैग देता है, एक रास्ता दिखाता है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, यही गुरु नानक देव जी का संदेश था। तो सिख धर्म से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और सिख धर्म ने यही सिखाया है मानवता की सेवा करना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये जो उपदेश था गुरु नानक का, किरत करो नाम जपो वंड छक छको, तो लंगर लगाना किरत करनी। आज वहाँ मंदिर के ऊपर हमारे नानक सिखों ने लंगर की बात कही है। तो ये तो एक गुरु नानक का उपदेश जा है, वही उपदेश से चल रहे हैं। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, ये जो मंदिर बन रहा है वो ठीक जगह पे ठीक टाइम पे बन रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो दूरदेशी थी, उन्होंने सोचा था वो करके दिखाया है। तो इस मंदिर के लिए मेरा तो पूरा समर्थन है। कुछ लोग इसके लिए ओपोजिट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, उनको ओपोजिशन नहीं करनी चाहिए। जब एक भगवान का घर बन रहा है, एक आदर्श बन रहा है, तो उसके लिए किसी को बुरा भला कहना ये अच्छा नहीं लगता। और मैं समर्थन कर रहा हूँ तो मेरे भी कल बुरा लोग कहेंगे, लेकिन हम बुरा नहीं मानते। निंदो 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 मोको निंदा मोको प्यारी। तो जो निंदा करते हैं वो अपना ही गंध खाते हैं। हम तो उस भगवान के, उस वाहेगुरु के, उस अल्लाह के, उस गॉड के बंदे हैं, वही मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने यहाँ चैनल पे आने का टाइम दिया। और ये सर्वधर्म संस्था का जो डेलीगेशन है, ये इस मानवता के संदेश को लेके आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है ये कि इस संदेश के साथ सभी धर्म एक साथ एक गुलदस्ते की तरह आगे बढ़ रहे हैं। सुशील गोस्वामी जी महाराज हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर सनातन धर्म का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस पूरे सर्वधर्म धर्म सूत्र को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। महाराज जी, एक ऐतिहासिक पल के साक्षी हम सब बनने जा रहे हैं। वो सभी पीढ़ियां मुझे लगता है कि इस बात के लिए भी ईश्वर की शुक्रगुजार रहेंगी कि हम इस क्षण को अपने जीवन काल में देख सकेंगे। वे लोग जो राम को धर्म के नाम पर बांटते हैं वो कितने अज्ञानी हैं, क्योंकि राम तो प्राणी मात्र के लिए उत्सव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। देखिए, आदि अनादि काल से निराकार और साकार की बात चलती आ रही है। राम इसलिए सबको प्रिय, जन जन के राम इसलिए है कि वो निराकार भी है और साकार भी है। यह एक विषय का है ही नहीं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि कण कण में राम है। बिल्कुल, कोई मजहब, कोई संस्कृति, कोई संस्कार राम से अलग नहीं है। इसका उदाहरण सबसे पहले मैं आपको दूं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा अवतार
कोई ऐसा सर्वमान्य नाम नहीं है जो पूरे विश्व में जो राम का नाम है। कंबोडिया, वियतनाम से आप शुरू करके जितने देश हैं सब में राम की लीलाएं होती हैं, और वो अवशेष आज भी हैं जो ये कहते हैं कि राम साकार और निराकार दोनों स्वरूप थे। इसलिए पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए राम एक आदर्श है, राम एक भगवान है, राम एक राजा के पुत्र है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो प्रथम में लिखा उसको बहुत शोध कार्य हुआ। मेरा कहना है ये समय एक ऐसा भारत को मिला है जो भारत कहता है कि विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। उसका मूल मंत्र राम का नाम है कि राम से बड़ा राम का नाम पूरी दुनिया में भारत को राम के नाम से ना जाना चाहता है। राम एक संस्कृति का नाम है, राम एक संस्कार का नाम है, राम एक अध्यात्म का नाम है, राम जन जन में समाया है, इसलिए सबका राम है। हम अभी वहाँ एक साथ पूरा डेलीगेशन हमारा जो 31 लोगों का था, अलग अलग धर्म के गुरु भी थे और भारत के बड़े संत भी हमारे साथ थे। पहली बार ये मुबारकबाद भारत के प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी जिसने इंटरफेथ प्लेटफॉर्म को रिकग्नाइज किया कि जो भारत की संस्कृति नष्ट हो गई थी, जो सर्वे भवन्तु सुखना की बात थी, उसको वापस जब तक नहीं हम देश में लाएंगे तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया और हम सब ने मुहिम चलाई है। अभी अयोध्या में सब मिलके गए थे, अब विश्वास नहीं करेंगे, 10-10 गाड़ियां, पायलट गाड़ियां, आम जनता घेरे हुए थी जिसे दृश्य नहीं देखा था कभी भी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन भाई सब एक साथ खड़े हैं। ये भारत की संस्कृति की देन है, हम सब मिलकर इस भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। इसलिए इंटरफेथ डायलॉग, सर्वधर्म संभाव, सबको एक साथ लेने का मौका हमें मिला है। वो राम की स्थापना का दिन 22 तारीख जो आने वाली है, उस दिन सबको राममय हो जाना है और राममय हो रहे हैं। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये विचार हम तक सीमित मत रखिए, इन विचारों का जो युवा जनरेशन है उसको बताइए कि राम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, राम को माना सबने। और गांधी ने भी यही कहा आज़ादी की मूवमेंट में भी यही बात, ये किसी पार्टी की बात नहीं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं, उन्होंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम, उन्होंने राजा राम शब्द कहा है, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति देवन। जिनको सम्मति नहीं मिल रही है, विरोध कर रहे हैं, अज्ञानी है, उनको ज्ञान होना चाहिए। समय कीमती है, समय पुकार रहा है, विश्व जल रहा है, मानव मानव को खत्म कर रहा है। भारत से कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, भारत ने किसी युद्ध का समर्थन नहीं किया, आज भारत फिर पूरे विश्व की शांति की एक मिसाल उठा के राम के नाम की जा रहा है और पूरा पूरी दुनिया राममय हो रही है। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतनी कार्यक्रम होंगे ये प्रधानमंत्री की सोच ने हमारे भारतीय सर्वधर्म संसद को दिए और हमें ऑथोराइज किया, जाइए बताइए कि भारत कैसा है। और अचंबा करेंगे, इतनी भीड़ जमा हो जाती है एयरपोर्ट पर, थे तो हमने देखा कि लोग देखने के लिए सेल्फी लेने के लिए परेशान थे, लोगों ने भारत की यह तस्वीर देखनी बंद कर दी थी। तो प्रधानमंत्री ने ये करके सबको फिर दिखाया। आपका आभार प्रकट करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ, जय श्री राम कहता हूँ, भारत माता की जय कहता हूँ। बिल्कुल, और यही राम है जो सभी की आस्था के केंद्र में है, भारत की आत्मा है राम। और यहाँ पर हमने सभी जो हमारे साथ धर्मों के प्रतिनिधि हैं उनसे भी ये जाना कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले, अपनी रोटियाँ सेकने वाले भले ही सेकते रहें, पर जो धर्म को जानते हैं, इस देश की आत्मा को जानते हैं, वे सभी ये जानते हैं कि प्रभु राम सबके हैं और सब प्रभु राम के हैं। इसलिए हम कहते हैं एक राम सबके नाम, और राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम प्रणाम।